गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, ये देखिए हो गई है मॉर्निंग, तो आज बच्चों के लिए लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ। और आज है सैटरडे, तो कोशिश करती हूँ कि सैटरडे एक दिन बच्चों को कुछ अलग सा बना के दूँ, क्योंकि रोज डेली वही रोटी पराठे सब्जी भुजिया चलती है इन लोगों की। तो कोशिश रहती है यही कि सैटरडे के दिन जो है ना कि बच्चों के पसंद का कुछ बनाऊँ या जो है कि कुछ अलग सा बना के दूँ, ताकि बच्चे भी खुश हो जाएँ। तो आज मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस बना रही हूँ। तो इसके लिए ये देखिए, तो मैंने ना कढ़ाई में ऑयल डाल दिया तो गरम हो गया था, तो थोड़ा सा जीरा डाल दिया था, प्याज और जो है कि हरी मिर्च डाल दिया, थोड़ा सा ब्राउन हो गया तो टमाटर डाल दिया था, थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया टमाटर ना, उसके बाद देखिए तो मेरे पास थोड़ा सा मटर थी, शिमला मिर्च थी, तो ये डाल दिया। इनको थोड़ी देर चला लेंगे। सब्जियों में यही था, नहीं तो गाजर बीन्स वगैरह रहता मैं वो भी सब डाल देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनता है। तो बस यही था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, यही डाल के बना देते हैं। थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया तो देखिए मैंने डाल दिया है थोड़ा सा, इसमें एक चम्मच के लगभग ओरिगैनो डाल दिया है। और इसके बाद देखिए तो ये लाल मिर्च डाल दिया है। और फ्रेंड्स, ये देखिए तो काली मिर्च मैं डाल रही हूँ पाउडर, आधे चम्मच से थोड़ा सा कम ही डाल रही हूँ, स्वाद के अनुसार नमक डाल दूंगी। और इसके बाद जो है कि ये देखिए तो मैगी मसाला मैं 2 पैकेट डाली, क्योंकि राइस थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ तो बहुत ही अच्छा सा चटपटा सा हो जाएगा 2 पैकेट में, क्योंकि घर के लिए भी बना रही हूँ, सभी लोग नाश्ते में भी यही खा लेंगे। और यहाँ पर राइस जो है मैं पहले से ही बॉयल करके रख ली थी, तो इसमें नमक और ये देखिए तो लौंग, इलायची, स्टार फूल, दालचीनी सब कुछ डाल के ना अच्छे से बॉयल कर लिया था, नमक वमक डाल के। तो बस ये देखिए सब्जियाँ हमारी अच्छे से हो गई थी सब कुछ। तो उसके बाद देखिए तो इसमें राइस जो है कि मिक्स कर देंगे, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही झटपट बन जाता है, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है। तो ये देखिए धनिया डाल देंगे, और इसको तुरंत मैं नहीं गैस बंद करूँगी, बस आधे एक मिनट ना इस तरह से ढक के ना गैस पर धीमी आँच पर छोड़ दूँगी, इससे सारे जो फ्लेवर आते हैं ना तो अच्छे से राइस में आ जाते हैं, धनिया वनिया के सब चीज़ के। तो बस ये देखिए हो गया, रेडी हो गया। तो बस बच्चों का लंच बॉक्स पैक करेंगे, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ट्राई करिएगा आप लोग ज़रूर से। और यहाँ पे फ्रेंड्स ये देखिए तो बच्चे चले गए थे, तो बस यही मेरा रोज़ का काम। देखिए तो इस समय क्या करें, ठंड थोड़ी बढ़ गई है, तो डबल कंबल हम लोग ओढ़ के सो रहे हैं, क्योंकि बच्चों ने रजाइयाँ निकाल ली हैं, तो कंबल जो है कि ओढ़ के हम लोग सो रहे हैं। हम लोग भी देखेंगे ना तो रजाई निकाल लूँगी मैं भी, अभी चल रहा था तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, तो मैं कहा ठीक है अभी जब तक चल रहा है तब तक ऐसी कंबल ही ओढ़ते हैं। और फ्रेंड्स ये देखिए तो आ गई थी यहाँ पे, तो देखिए टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा था, 9:30 हो रहा था शायद इस तरह से कुछ। तो ये देखिए मैं बैठी हुई थी, और यहाँ पर ना निखिल ने क्या किया था ना, रजाई निकाल दिया था बट उसका कवर नहीं निकाला था, तो आज ऊपर की भी रजाइयों के कवर निकाला, रजाई निकाली बच्चों के लिए, रूमा के लिए, सोना के लिए, और तो नीचे का भी रजाई का कवर निकाल दिया। तो बस इनमें भी कवर डाल दूंगी, क्योंकि कवर से सेफ रहती है रजाइयाँ ना, वैसे गंदी हो जाती हैं। और रजाइयाँ मैं यहाँ पर नहीं रखती हूँ, क्योंकि यहीं पर हमारा बैठना खाना पीना होता ना, तो गंदी हो जाती है, इसलिए मैं रजाई ना क्या करती हूँ ना कि हमेशा अंदर रख देती हूँ, यहाँ पर एक हल्का सा कम्बल रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स मशीन तो लगा दिया मैंने, लेकिन मौसम आज अचानक से ख़राब हो गया है। अभी सुबह अच्छे से धूप दिख रही थी, 9:30 बजे की बहुत अच्छी धूप हो रही है, और अब भी देख रही हूँ ना तो एकदम बादल घेर लिया, तो धूप छाए हो रही है। अब मुझे ये लग रहा है पता नहीं कपड़े सूखेंगे कि नहीं। अच्छा वह लगा दी, और कोशिश करती हूँ ना कि सैटरडे को ही जो है कि कपड़े धो लूँ, ताकि संडे को आराम से रेस्ट कर सकें, क्योंकि संडे को ऐसा होता है ना कि सभी लोग लेट ही उठते हैं, मेरा भी लेट होता है उठना। फ्रेंड्स आज मैंने ना क्या किया कि रजाइयाँ भी निकाल दिया, रजाई बच्चे निकाले थे, निखिल निकाला था नीचे वाली, कवर नहीं निकाला था, तो कवर निकालने गई तो रुमा करे दीदी ऊपर की भी निकाल दो, ठंड लग रही है, तो सारी रजाइयां भी निकाल दिया, कवर भी निकाल दिया, सारा किचन का काम हो गया है, बर्तन धो दिया है, बस ऐसे पानी निकल जाएगा इसका ना, तो फिर अभी नहावा के आऊंगी ना, तो बाद में सारा बर्तन जो है ना फिर रख दूंगी। यहाँ पे फ्रेंड्स ये देखिए तो मेरे सारे कपड़े उपड़े धो लिया मैंने, और यहाँ पे ना ये देखिए तो ये तो मैंने ना मच्छरदानियाँ भी धो दिया, बस यहाँ पे रख दिया, इनके पानी निचुड़ जाएंगे ना, तो इसके बाद जो है कि मैं इनको फैला दूंगी। और ये हाथ से ही धुला है, क्योंकि मशीन में तो धो ही नहीं सकते हैं ना, फट सकती है, तो हाथ से धो दिया था, अब तो ये निचुड़ जाएंगे पानी इसके ना, तो फिर इनको फैला दूंगी। और यहाँ पर ना ये जो पौधा था ना मैंने यहाँ पर रख दिया, क्योंकि इसको धूप नहीं लग रही थी ना, तो ये शायद अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा था। अभी देखिए यहाँ पर रख दी हूँ ना, तो अच्छे से ये देखिए इसमें ना पत्तियाँ आ रही हैं, ये तो थोड़ा धूप ज़रूरी होता है ना पेड़ पौधों को, तो यहाँ पे रख दिया है। और यहाँ पे ये देखिए तो ये ना ये जो है ना कि मम्मी ने जो लहसुन लगाया था ना, तो वो सूख गए, साथ बच्चों ने ज़्यादा पानी डाल दिया था, बड़े बड़े होकर सूख गए थे, तो फिर मैंने दोबारा से लगा दिया, क्योंकि सर्दियों में ना लहसुन, हरे लहसुन, धनिया की चटनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो लहसुन चाहिए ही होता है, तो मैं हमेशा लगा देती हूँ। तो ये देखिए लगा दिया है, और ये भी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, तो इनको भी यहीं पे धूप में ही लगा दिया है। एकदम सही तो आ रही है निखिल, आगे से दिखाओ,
इसको पहनने के बाद अलग से कैप की जरूरत नहीं है, देख लो। कोई भी उसे 10 का सिक्का दे दे। ये लड़की खाली इसीलिए रोती रहती है, इसको चीजी चाहिए होता है खाने के लिए, ये चाहिए होता है। अभी मैं सो गई थी, सो के उठी हूँ तो निखिल यहाँ वहाँ अपना, ये दोनों पता नहीं क्या बातें करते हैं ये लोग, धीरे 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 पता नहीं कौन सी बातें करते हैं। आवाज आ रही थी, मैंने कहा सोए नहीं करे, नहीं आज सोया नहीं हूँ, तो मैंने बोला थोड़ा क्या बात चाय कर रहे बनाओ, तो यूँ उठने का मन ही नहीं कर रहा है, ठंडा लग रहा है कम्बल में ना, उठने का ही मन नहीं करता है। अभी जैसे ऐसे ही हो रहा है ना, शाम के टाइम बड़ा अच्छा सा लगता है सोने में, तो यही है। और निखिल चाय बना दिया, बोली बाबू थोड़ा ब्रेड गरम कर दो। चलिए उठते हैं फ्रेंड्स, और उसके बाद जो है कि थोड़ा सा रेडी होती हूँ, फिर उसके बाद चाय पीते हैं। हैव एन मम्मी यार निकाल दो पापा की जैकेट। तो निखिल ने चाय बना दिया, साथ में ब्रेड गरम कर दिया है, तो बस हम लोग यहीं पे बैठ गए हैं आज अंदर वाले रूम में। अरे देखिए सोना लगी है, लगी हुई है, और निखिल यहाँ पे है। तो फ्रेंड्स चाय वही हम लोगों ने पी लिया है, और निखिल दिखा रहा है मुझे, क्या दिखा रहे बाबू, मार्चिंग करना कैसे करते हैं, तो वो दिखा रहे हैं। एक्चुअली बच्चों का स्पोर्ट डे की तैयारी हो रही है 2 साल बाद ना निखिल, कोविड की वजह से नहीं हो रहा था, नहीं तो हर साल होता है ना, 2-3 साल तो हो ही गया ना कोविड की वजह से नहीं हुआ, नहीं तो हर साल जो स्पोर्ट डे इन लोगों का होता है। पहले सीधे खड़े रहेंगे अटेंशन पोजीशन में, ठीक है? ओके यस आज जो है बिल्कुल ऐसे होने चाहिए, बिल्कुल जैसे ऐसे कुछ नहीं, बिल्कुल सीधे ही छाती बाहर, ओवर बाहर नहीं, बाहर ऊपर, और अच्छा चिन ऊपर, आंखें नीचे सामने, पैर ऐसे वी शेप में, ठीक है? हाँ अटेंशन में स्टैंडर्ड गेज में हम यूं करेंगे, आज बिल्कुल ऐसे होगा, यूं और नीचे तक, छाती सेम, मुंह सेम, और पैर यहाँ तक उठना चाहिए, ठीक है? टेंशन, फिर जो है राइट टर्न करेंगे, राइट टर्न के लिए ऐसे होगा, राइट टर्न करके जाओगे कहाँ, इधर ही कर लो। हाँ ओके तो लेफ्ट टर्न के लिए राइट टर्न ऐसे होगा, फिर जब वो कहेंगे स्कूल बादल है क्विक मार्च, तो ओके पहले लेफ्ट पैर उठाएंगे, लेफ्ट से स्टार्ट होता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट पैर उठाएंगे, राइट हैंड आगे, पीछे वाला हैंड पीछे, आगे के लिए क्या होता है शोल्डर तक बस पास फेंकना होता है, पीछे जितना हो सके उतना फेंकना, मुंह सामने होगा, ठीक है? फिर स्टार्ट होगा, पैर नहीं मुड़ने चाहिए, जो ऑन द स्पॉट होता है उसमें पैर पूरे अच्छे से मुड़ के यहाँ तक उठता है, लेकिन जो मार्चिंग होती है उसमें पैर सीधे रहते हैं, ज्यादा नहीं, छोटे छोटे कदम लो, और हील्स पे जो है वहां पर ओके लैंड करो, आराम से होगा, लेफ्ट लेफ्ट। तो फ्रेंड्स टाइम हो गया है, 6 बज गए हैं, और हो गया बिल्कुल अंधेरा, और चलिए चलती हूँ ऊपर थोड़ा, और ऊपर का जो है कपड़े है ना अंदर रख देती हूँ, देखती हूँ सूख गया है कि नहीं। तो यहाँ फ्रेंड्स ये देखिए, तो ये ना नीचे का तो रजाई कवर मैंने लगा दिया था, ऊपर का रह गया था, तो मैं काम उम करके सो गए थे, फिर आई देखिए ऊपर ना तो चढ़ाया नहीं था किसी, कोई था ही नहीं, बच्चों से तो होगा नहीं, तो फिर मैंने कहा कि लाओ लगा देती हूँ, नहीं तो फिर ना ऐसे ही रह जाएगा, तो बस इसको अच्छे से लगा दो। कपड़े आज ना बिल्कुल भी नहीं सूखे हैं, मतलब सारे कपड़े हल्के हल्के गीले लग रहे हैं, तो इनको अलग अलग रख देते हैं, क्योंकि हस्बैंड के ऑफिस के भी व्हाइट शर्ट है ना, तो इनको अलग रख देती हूँ, बाकी जो कलर वाले कपड़े हैं ना तो एक जगह रख देती हूँ, कल धूप में डाल दूंगी। तो अब ठंडा मौसम हो रहा है ना, तो अब यही प्रॉब्लम होगी कि कपड़े सूखने में ना थोड़ा सा दिक्कत होती है, मतलब कितना भी मशीन में सुखा के डालो ना, फिर भी जो है कि अगर अभी तो धूप हो रही तो ठीक है, धूप जहाँ नहीं होगी ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ फ्रेंड्स ये देखिए, तो रूमा भी आ गई, तो रूमा डेली 6:30-7 बजे तक आती है, तो फिर इसके बाद जो है कि थोड़ा सा चाय वो पीती बैठते हैं, तो फिर उसके बाद जो है कि हम लोग जो है कि डिनर की तैयारी करते हैं। मॉर्निंग फ्रेंड्स, और हो गई है सुबह, टाइम हो रहा है 8:30 बज रहे हैं, और बच्चे सभी लोग तो नहीं, रूमा और सोना सो रही हैं, हस्बैंड भी सो रहे हैं, और निखिल सुबह मॉर्निंग में ही उठ के गया था वॉकिंग के लिए, तो अभी आया नहीं है वो, और मैं भी उठ के आई हूँ, अभी जो है कि पानी पी हूँ, और अब नीचे जा रही हूँ, थोड़ा नाश्ता वास्ता बनाती हूँ, क्योंकि ये लोग उठते ही हैं लेट है, तो उठते ही जो है कि इन लोगों को कुछ चाहिए होता, तो चाय के साथ सोच रही हूँ आज ना घाट ही बना लूँ,
कल मम्मी ने ना वो गांव गई थी मम्मी, तो वो वहां से ना गांव से चने उने ले आई थी, दाना ले आई थी, तो चने लाए हैं। तो मैं सोच रही हूँ पीस के ना चने को घाटी बना लेती हूँ और चाय बनाती हूँ, और उसके बाद जो है कि बच्चे धीरे धीरे बनाती रहूँगी, बच्चे उठते रहेंगे, फिर उसके बाद सभी लोग नाश्ता कर लेंगे। चलिए चलते हैं नीचे, हस्बैंड भी सो रहे हैं, उनको भी जगाती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, तो आ गई मैं घाटी बनाने के लिए, सबके लिए नाश्ते बनाने के लिए। तो ये देखिए ना, तो चने को मैं पीस लूँगी, और हमारे यहाँ पे घाटी कहा जाता है और मुझे नहीं पता कहाँ पे क्या कहा जाता है। तो ये देखिए बस पीस लूँगी, और सत्तू भी मिलते हैं, लेकिन जो स्वाद पीस के आता है चने का ना, वो बहुत ही बढ़िया रहता है। थोड़ा दरबरा सा ही पीसो ना, तो बहुत बढ़िया टेस्टी घाटी बनती है। तो ये देखिए चेक करें तो बिल्कुल फाइन नहीं करती हूँ, थोड़ा सा दरबरा ही रखती हूँ ना, तो बड़ा ही अच्छा सा मतलब मुँह में आता ना, थोड़ा क्रंची सा लगता है, तो बहुत बढ़िया लगता है। यहाँ पर देखिए तो पीस गया है, और ये देखिए मैं प्याज इसमें मिर्च डाल दूंगी, और इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे दे रखी है फ्रेंड्स, जिनको बनाना जो लोग इंटरेस्टेड हैं तो वो लोग ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा चटपटा सा बनता है ये। तो ये देखिए धनिया भी डाल दिया, थोड़ा सा लहसुन को मैंने कूट लिया था 4-6 कलियों को इस तरह से लेकर, और स्वाद के अनुसार डाल देंगे, नमक डाल देंगे, और ये देखिए थोड़ा सा मैं डाल दूंगी अजवाइन, और इसमें ना थोड़ा मस्टर्ड ऑयल डालना पड़ता है, 3-4 चम्मच डाल दो, और इसको अच्छे से मिक्स करना होता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स ना एक चीज़ और पड़ती है, वो होता है खटाई। तो गांव की खटाई खत्म हो गई थी, अचार भी नहीं था, तो मैंने क्या किया ना, ये देखिए आमचूर पाउडर डाल दिया है, और इसको अच्छे से ना मिला लेंगे, तो सबसे ज़्यादा टेस्ट इसका बढ़िया आता है इसी से, कि खटाई इसमें ज़रूर से डालिएगा अगर आप लोग बनाते हो तो। बस ये देखिए रेडी हो गई स्टफिंग, तो बस इस तरह से जो है कि हम बना लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे रेडी हो गया था, तो बस एक तरफ जो है ना कि मैं फ्राई भी करती जाऊँगी, और जितने जो बचे हुए हैं ना, तो मैं उनको भी जो है कि स्टफिंग जो है ना भर भर के रखती जाऊँगी। और फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हमारे गांव में तो हर एक चाय की दुकान पे ना, हर एक चाय की दुकान पे जहाँ भी मार्केट में आप देखोगे ना, तो ये घाटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, मतलब पूरा टाइम आप लोग मतलब वहाँ पे गांव में ना पूरा टाइम मिलता है हमारे यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा सा एक मतलब वहाँ का सबका मुझे लगता है सबको ही पसंद होता है घाटी खाना, चाय के साथ तो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन रहता है, और चटपटा सा इसके साथ ना मिर्ची जो होती है ना फ्राई कर लो ना, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती। तो अभी मिर्ची भी मैं फ्राई कर लूँगी जब सारा रेडी हो जाएगा ना उसके बाद। और यहाँ फ्रेंड्स ये देखिए, तो हमारा जो टेस्टी सा विलेज स्टाइल जो है कि घाटी चाय, और ये देखिए मिर्च भी मैंने फ्राई कर लिया था, और इसमें जो है कि नींबू का रस और थोड़ा सा नमक मिला लो, और बस हमारा एकदम बढ़िया सा सुबह का नाश्ता जो है ना कि रेडी हो गया है। बस चलते हैं ऊपर और फिर करते हैं नाश्ता। मजा आ जाता है ना सुबह सुबह नाश्ते में मिल जाए घाटी और चाय। और यहाँ फ्रेंड्स बच्चे जो है ना कि बच्चे जब मैं बना रही थी फ्राई कर रही थी ना, तभी ये लोग लग गए थे खाने के लिए, मतलब ये लोग तभी खा लिए थे, तो बस ये जो है कि मैं रह गई थी, हस्बैंड रह गए थे। तो हस्बैंड देखिए ये भी ना, ये भी नाश्ता वास्ता कर लिए हैं, मेरा भी सबका हो गया नाश्ता, तो ये जा रहे हैं ऊपर, करें मैं आराम से न्यूज़पेपर पढ़ूंगा। और मैं यहाँ पर ना बच्चों की यूनिफॉर्म थी ना, तो उन्हीं को धुलने लगी थी कि धो के डाल देती हूँ, उसके बाद जो है कि सारा काम मैं करूँगी। और ये देखिए सोना से मंगा रहे हैं कि ऊपर चेयर मुझे दे दो, तो मैं आराम से बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आऊँगा नीचे। और यहाँ फ्रेंड्स ये देखिए, तो बस बच्चों की यूनिफॉर्म भी धुल दिए, कि पहले ज़रूरी है ना, क्योंकि ठंडा मौसम है तो जल्दी सूखते नहीं, तो सुबह धुल दिया कि आराम से सूखते रहेंगे, फिर मैं इसके बाद अपना जो है कि धीरे धीरे जो भी काम रहेगा दिन का मैं आराम से करती रहूँगी काम। और फ्रेंड्स एक चीज़ और हुआ ना, कि क्या होता है ना कि कभी भी मैं जब भी कपड़े धुलती हूँ ना, चाहे हस्बैंड के बच्चों को, तो पॉकेट उनका ज़रूर से चेक करती हूँ ज़रूर से, क्योंकि हस्बैंड की हैंकी वगैरह रहती है बच्चों की ना, तो निकल जाती है, तो मैं हमेशा चेक करके। बट आज क्या हुआ ना, ये देखिए सोना के शर्ट में ना एक ना था, किसी बच्चे का टेस्ट था इस तरह से ना, तो उसके सर ने दे दिया था कि ये दे देना आप उनको, तो सोना भूल गई थी उसके पॉकेट में था, और ये कागज़ था ना, तो पता ही नहीं चला, मैंने एकदम रगड़ रगड़ के धोया ना, हाथ से धुली लेकिन फटा नहीं था, ऐसे था, तो मुझे
वापसी आ गई तो सुना कह रही थी अरे मम्मी भूल गई किसी बच्चे को देना था, हमने कहा चलो कोई बात नहीं है फटा नहीं इसको सुखा दो फिर दे देना, उनका टेस्ट था किसी बच्चे का, तो कह रहे थे कि ठीक है सुना को मैं बोली कि वहीं पर रख दो सूख जाएगा और इसके बाद जो है ना कि उनका दे देना। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, बट हमेशा मैं यही कोशिश करती हूँ कि हमेशा कपड़े जो है ना चेक करके ही मैं धुलती हूँ।